बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एसे. दिस इज़ एसे नंबर 4, अ विजिट टू द सवात वैली. दिस इज़ रिटन बाय H.P. स्टीवर्ट. शी इज़ फीमेल एंड द लेक्चर इज़ डिलीवर्ड बाय मिसेस राबिया अकरम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, W. करोलपक्कम. So, a visit to the Swat Valley. Swat Valley is situated in Pakistan. So, Pakistan में यह situate है और H.P. Stewart भी पाकिस्तान में ही रहती थी जब उसने ये विज़िट किया Swat Valley का, और उसने ऐसे लिखा. आपको अच्छा लगेगा, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगा और आपको इसका नॉलेज आएगा. इनको पढ़ने के बाद आपको इनका नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी. और यहाँ पर देखें, मेन पॉइंट्स के ऊपर हम आ जाते हैं. जो मेन पॉइंट्स इस एसे में डिस्कस किए गए हैं वो हम देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन टू दिस सवात वैली, सबसे पहली बात इसको पढ़ेंगे. आपको अब पाकिस्तान में ही हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में ये एक वादी है, इसका नाम है सवात वैली, उसका नॉलेज आएगा. फिर विजिट ऑफ द राइटर, राइटर ने जैसे विज़िट किया, तो ये एक जो ऐसे है बेसिकली ये विज़िट है. विज़िट के दौरान राइटर ने जो भी इंफॉर्मेशन ली है, जो भी चीज़ें देखी हैं, वो उसने लिखा है और उसको आपके सामने पेश किया. और फिर उसके बाद राइटर इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंचेंटिंग ब्यूटी ऑफ द सवात वैली. सवात वैली की इंचेंटिंग ब्यूटी, मशहूर कुन सहरज़दा, मशहूर कुन खूबसूरती सवात वैली की, जो इसमें बयान की गई है, बताई गई है इस ऐसे के अंदर, वो हम देखेंगे. फिर उसके बाद ब्यूटी ऑफ द प्लांट्स, रिवर सीन्स ऑफ द सवात वैली, न्यू वोकैबुलरी फॉर अ लॉट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन द हिली एरियाज़. तो न्यू वोकैबुलरी भी हमें पता चलेगी. फिर उसके बाद कल्चर एंड ट्रेडिशंस की बात आ जाती है. कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस सवात वैली, ग्रेव यार्ड्स का जिक्र किया, बुद्धिस्ट रिमेन्स का जिक्र किया, एक्साइटमेंट ऑफ द बोटैनिस्ट और सैदु शरीफ. कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें नॉलेज मिलेगा. तो बहरहाल ये ऐसे है जिसको आज हम रीडिंग करते हैं, और आई होप के आप इसको पढ़ के इंजॉय करेंगे. और ऐसे डिफ़िकल्ट है और आपको मेहनत करना पड़ेगी नई वोकैबुलरी सीखने के लिए. और सिलेक्शन की बुक मैंने रिपीटेडली आपको बताया है, सिलेक्शन की बुक में वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट यूज़ की गई है, तो आप इसको मेहनत किया करें. वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाने के ऊपर फोकस करें, अपनी वोकैबुलरी पावर को इम्प्रूव करें. विजिट टू द सवात वैली, कुछ पॉइंट्स भी हमने इसके पढ़ लिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इस बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, लेकिन बहरहाल जो मैंने पॉइंट्स रेज किए हैं वहाँ से भी आप इसके क्वेश्चंस बना सकती हैं और याद कर सकती हैं. स्प्रिंग टाइम इज़ ब्यूटीफुल इन मोस्ट प्लेसेस. तो ये देखें, शुरू में स्प्रिंग टाइम का जिक्र किया गया, तो मौसम बहार वो वक्त है जहाँ से इन्होंने अपना विजिट स्टार्ट किया था. बट व्हेन द यंग लीव्स एंड फ्रूट ब्लॉसम, द फ्लावर्स इन द फील्ड्स एंड द न्यू शूट्स ऑफ वीट एंड राइस आर पुट इन अ सेटिंग विद स्नो कैप्ड माउंटेन्स बिहाइंड देम एंड अ ब्लू रिवर इन फ्रंट विद शाइनिंग वाइट एंड येलो पेबल्स, इट मेक्स अ पिक्चर That causes the visitor to exclaim with pleasure and remember for years to come. तो स्प्रिंग टाइम राइटर कहती है कि बहुत सारी जगहों पर अच्छा होता है, लेकिन आप सोचें वो माहौल जहाँ पर नए पत्ते खिल रहे हैं, फ्लावर्स हैं और वीट और राइस की नई शूट्स कुंपलें आ रही हैं, और फिर ये सब कुछ उस जगह पर है, ये सारा कुछ ऐसी सेटिंग में है जहाँ एक तरफ आप ये समझें कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, बर्फ पोश पहाड़ हैं,
और दूसरी तरफ, एक तरफ पहाड़ है और उसके दूसरी तरफ ब्लू रिवर इन फ्रंट, और सामने की तरफ नीले रंग का दरिया बह रहा है और उसके अंदर जो पेबल्स हैं, कंकरियां हैं, पत्थर हैं, वो तह में चमक रहे हैं। इतना साफ शफाफ पानी है रिवर का कि उसकी बेस में जो पेबल्स पड़ी हुई हैं वो भी आपको चमकती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सारा कुछ आपको, आप जब देखते हैं तो आप उस जगह की खूबसूरती को एडमिट करने पर मजबूर हो जाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ हम देखेंगे, इसमें मैंने कोशिश की है कि हर पैराग्राफ को कोई टाइटल दूं। आप भी पढ़ा करें, आप भी अपनी हैबिट बना लें कि जब भी आप कोई ऐसे पढ़ती हैं तो आप कोशिश किया करें कि उस ऐसे के मेन पॉइंट को लेकर आप हेडिंग बना दिया करें उस पैराग्राफ की। इस तरह से आपको पढ़ना और याद करना इजी हो जाएगा। तो जर्नी का स्टार्ट इसमें बताया गया है, ये टाइम बताया गया है किस तरह से ये मालाकंड पास से गुजरे हैं। पास एंट्रिंग गेट को कहते हैं, मालाकंड का जो गेट है उसको क्रॉस किया है। आफ्टर डेजिंगली क्लियर डे आफ्टर अ गुड डील ऑफ रेन, तो गुड डील ऑफ रेन मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और फिर उसके बाद चमकदार रोशनी थी। द प्रेसिपाइसेस, द रॉक्स, द रोड विंडिंग अराउंड द क्लिफ्स, द स्टीपनेस एंड क्रैगीनेस ऑफ इट मेड वन फील एज इफ द जायंट्स कैसल हैज़ टू बी स्टॉर्म्ड बिफोर वन एंटर द एन्चेंटेड लैंड। अब देखें कौन से उसने बातें की हैं, जायंट कैसल उसने कहा इसको अंडरलाइन करें, एन्चेंटेड लैंड उसने कहा आप इसको अंडरलाइन कर लें। तो ऐसे लगता है कि ये किसी इंसान का बनाया हुआ जजीरा नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि ये जैसे कि ये किसी जायंट जिन ने बनाया हो, मतलब कि इतना खूबसूरत है कि हमें ये यकीन नहीं आता कि ये किसी इंसान ने बनाया है। तो इसीलिए महसूस होता है कि शायद ये किसी जिन ने इसको बनाया है। देखें एन्चेंटेड लैंड, जायंट्स कैसल, तो इस तरह की वोकैबुलरी आप अंडरलाइन करें। और ये लिटरेरी स्टाइल है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टाइल में ये ऐसे इसने लिखा है। और जब आप वहाँ जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि किसी जिन के गार में, कैसल में, किले में आप आ गए हैं। द जायंट वॉज एब्सेंट, देर वर नो पिकेट्स ऑन द हिल्स, द लिटल फोर्ट्स वर एम्प्टी, देर वॉज नो वन टू चैलेंज अस एज वी क्रैप्ड अराउंड द लास्ट फ्राइटनिंग कर्व, बट ऑल द सेम वी ट्रेवल विद कॉशन पियरिंग अहेड टू सी वट वॉज अराउंड द कॉर्नर, देन वी वर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड बियॉन्ड वॉज अ ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली। ओके, तो फिर वो कहते हैं कि जब हम पहुँचे जायंट तो गायब था और उसके कोई गार्ड्स भी नहीं थे, और हमने उसके आखिरी फ्राइटनिंग कर्व, ये देखें पहाड़ी इलाकों में जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर आपने कभी हिली एरियाज में ट्रैवल किया हो तो आपको पता होगा कि छोटे छोटे रोड्स होते हैं, ऊपर को पहाड़ की तरफ चढ़ रहे होते हैं और फिर वो अचानक से टर्न करते हैं, तो ये बहुत एक्सपर्ट बंदा वहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं और ख़तरनाक किस्म के मोड़ होते हैं। तो कहते हैं जब हमने वो सब कुछ अबूर किया तो आगे हमारे पास सवात वैली, खूबसूरत सवात वैली आ गई। और अगला पैराग्राफ, ब्यूटी ऑफ द अच्छा जी देखें खूबसूरती जो उसने पिक्चर की बयान की है, वेयर एवर वी टर्न देयर वर पिक्चर्स विलोज जस्ट कमिंग इनटू लीफ, पील येलो रादर दैन ग्रीन विद डार्क ट्रंक्स बेंडिंग ओवर कैनाल, डार्क लाइन्स ऑफ ट्रीज अक्रॉस द लश ग्रीन ऑफ द वैली वेयर द रोड्स क्रॉस एंड फोर्कड क्लियर स्ट्रीम्स इन विच द ब्लू ऑफ द हिल्स वॉज रिफ्लेक्टेड, द मस्टर्ड फील्ड स्टिल इन ब्लूम वाइल इन द पंजाब दे वर ऑनली अ मेमरी, द वीट स्टिल यंग टाइनी न्यू लीव्स एंड ब्लॉसम्स ऑन द शीशम ट्रीज, द पर्शियन लाइलैक्स लीफलेस विद येलो बेरीज फ्रॉम लास्ट समर शाइनिंग अगेंस्ट द ब्लू ऑफ द स्काई। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें वोकैबुलरी और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज है, नई वोकैबुलरी है। तो उस इलाके के हिसाब से यहाँ पर वोकैबुलरी यूज़ की गई है। तो इसमें वोकैबुलरी आप देखें जिस तरह से इस यूज़ की गई है, वर्ड्स हैं और ये आप पढ़ेंगे आपको नई नई फूलों के नेम्स और ख़ासतौर पर हिली एरियाज में जो इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लावर्स, ये अंग्रेज़ इसकी वोकैबुलरी भी उस तरह से है
क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है. तो एवरी फ्यू माइल्स देयर वर क्वेंट लिटिल फोर्ट्स ईच विद फोर टॉप हैवी टावर्स, सम ऑफ देम हाफ हिडन बाय द एल्डर ट्रीज इन द स्ट्रीम बेड बिटवीन द फोर्ट एंड द रोड, सम स्टैंडिंग स्टार्कली अगेंस्ट ब्लू एंड पर्पल हिल्स. तो ये सारी सीन की ब्यूटी बताई गई है कि किस तरह से दरख्त हैं और खूबसूरती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा खूबसूरती. अच्छा, ये पैराग्राफ, इसको मैंने टाइटल दिया हुआ है लोकल ट्रेडिशंस. तो इस पैराग्राफ के अंदर 21 पेज है, लोकल ट्रेडिशंस डिस्कस की गई हैं. ऑन द रोड देयर वर गुजर फोक ट्रैवलिंग कैंप्ड इन द शेल्टर ऑफ रॉक्स, द वुमेन इन देयर ब्लैक गारमेंट्स वॉकिंग बिहाइंड द एनिमल्स, ग्रेट बास्केट्स ऑन देयर हेड्स, एंड देन सो अ प्रिटी लिटिल गर्ल अमंग देम विद हर आर्म्स फुल ऑफ रेड पॉपीज. पॉपी होते फूल, सुर्ख रंग के फूल उस एक बच्ची ने उठाए हुए थे. और उसके अलावा ब्लैक गारमेंट्स, मतलब जैसे गाउन होते हैं, ब्लैक गारमेंट्स के अंदर ख्वातीन थी और उनके आदमी आगे आगे चल रहे थे. गुजर फोक काफिला ये जा रहा था, उसमें आदमी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे ख्वातीन थी और दरमियान में एक बच्ची ने सुर्ख पॉपी के फूल उठाए हुए थे. एवरी नाउ एंड अगेन वी केम टू अ क्लंप ऑफ ऑलिव ट्रीज एंड डिस्कवर्ड दैट ओनली इन द ग्रेवयार्ड्स डिड ग्रुप ऑफ दीज ट्रीज सर्वाइव. ऑलिव ट्रीज मिले हैं, लेकिन राइटर कहती है कि हमें ये भी महसूस हुआ कि ये सिर्फ कब्रिस्तान के इलाकों में ही, कब्रिस्तान में ही ये दरख्त पाए गए हैं. द ग्रेव्स वर ऑफन समंड बाय शार्प स्टोन्स डग फ्रॉम द हिल साइड, वन ऑफ द वन फॉर द हेड एंड वन फॉर द फुट, ऑफन एट एन एंगल द सजेस्टेड आर्म्स हेल्ड वाइड. तो ग्रेव्स, वो कहती है हमें ऐसे पता चलता था ग्रेव्स के बारे में कि एक पत्थर उसके सर की तरफ होता था और एक पत्थर उसके पाँव की तरफ रखा हुआ होता था. और सम ऑफ द ऑलिव ट्रीज ड्रिप फ्रॉम द फ्रेश मिस्टल टोज, द लीव्स ऑफ विच वर स्मॉल एंड नीट एंड पेल ग्रीन, अ स्मॉलर वेराइटी दैन वन यूजली सीज. द हिल टॉप्स वर कवर्ड विद बुद्धिस्ट रिमेन्स. ये बात आ गई है कि पहाड़ियों की जो टॉप्स हैं वो बुद्ध मत मज़हब के लोगों की यादगार हैं, यानी कि यहाँ पर किसी ज़माने में बुद्धिस्ट लोग रहते थे, बुद्ध मत मज़हब के मानने वाले रहते थे. एंड ऑल ओवर द वैली देयर वर रुइंस फ्रॉम ऑल मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्री खानकाह को कहते हैं. तो सारी जो खानकाहें हैं उनकी रुइंस होती है, बाकी आत जो चीज़ें बाकी रह गई हैं. एंड स्टूपाज इबादत गाहें, एंड हाउसेज एज इफ इन द शेल्टर्ड प्लेस टाइम हैड स्टूड स्टिल. तो फिर बता रही, ऐसा लगता था कि वक्त यहाँ पर आकर रुक गया है, सारी पुरानी चीज़ें वैसे की वैसे यहाँ पर कायम है. तो आगे हम देखते हैं, देवर आर्च ब्रिजेज ओवर द स्ट्रीम्स एंड सो मच स्टोन विद विच टू बिल्ड क्लीन वॉल, सम ऑफ देम नॉट इवन हेल्ड टुगेदर विद मोर्टार, अ लॉट ऑफ द स्टोन वॉज शिस्ट एंड विच स्प्लिट लाइक स्लेट, वट लवली फ्लोर्स इट वुड मेक. तो ये ब्रिज के बारे में बता रही है, जो कि स्ट्रीम्स, नदी के ऊपर जो ब्रिज बनी हुई थी. ब्रिज होते खुश्की के दो टुकड़ों को, पानी के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो खुश्की का एक टुकड़ा लगाया जाता है उसको ब्रिज कहते हैं. तो वह जिस पत्थर से बनाया गया था उससे, वो वहीं का ही पत्थर था जो इस्तेमाल किया गया था. और वो कहते हैं कि मैं सोच रही थी कि इस पत्थर के अगर हम फ्लोर बनाएं, फर्श बनाएं, तो वो कितने खूबसूरत नज़र आएंगे. आगे देखें, बोटैनिस्ट अमंग अस, आप देखें जो बॉटनी पढ़ते हैं उनको बोटैनिस्ट कहते हैं. तो ये लोग जो स्वात वैली को विज़िट करने गए थे, इनमें से एक टीम बोटैनिस्ट की भी थी, जो पौधों को स्टडी करते हैं उनको बोटैनिस्ट कहते हैं. जो राइटर है एच पी स्टीवर्ट, इसका अपना हस्बैंड भी बोटैनिस्ट था. बोटैनिस्ट अमंग अस वर एक्साइटेड विद द वाइल्ड फ्लावर्स बाय द रोड साइड एंड अप द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, देयर वर बिग पैचेस ऑफ अ जायंट येलो मिंट नेप्टा पर्पल एज हिथर अमंग द रॉक्स, हैवी हेड्स ऑफ गोल्डन सफूरा एंड एवरी वेयर रेड पॉपीज. ये सारे फूलों के नाम और मुख्तलिफ दरख्तों के नाम लिखे हुए हैं. द राइस फील्ड्स वर बॉर्डर्ड विद बटर कप्स एंड देयर वर फ्रूट ट्रीज इन ब्लॉसम इन प्लेसेस, द लिटिल वाइल्ड इरीज स्टिल इन ब्लूम विद बोथ द
purple and yellow varieties, and we later found a few stalks of the big pale lavender Hazara lily, which most of us had never seen before, growing on the blanks of irrigation ditches. Alright, so again वो मुख्तलिफ पौधों का जिक्र कर रही है जो इस इलाके में ग्रो करते हैं और ख़ूबसूरती बहुत ज़्यादा वो बता रही है उस इलाके की। और आगे देखते हैं सैदू शरीफ, ये एक इलाका है, विलेज है, उसके बारे में वो कहती है सैदू शरीफ वाज अ सरप्राइज। सैदू शरीफ ख़ास तौर पर एक हैरान कन जगह थी। द विलेज ऑन द हिल साइड बिल्ट विद द स्टोन फ्राम देयर ओन रॉक्स। तो हिल साइड यानी कि पहाड़ी इलाकों के जो देहात हैं उसमें अपना ही पत्थर, उस इलाके का अपना पत्थर इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने में। मेल्टेड इनटू द कलर ऑफ द हिल्स, जो पहाड़ियों के रंग में ही रंगा गया था। बट दिस सिटी वाज इट्स ग्रेट वाइट मॉस्क सराउंडेड बाय ऑल दोज हाउसेस वाज अनएक्सपेक्टेड एंड द बिग होटल इवन मोर सो। और उस इलाके में जिस तरह से घर थे और जो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द घर बने हुए थे और जो एक बड़ा होटल वहाँ पर था, ये सब कुछ सरप्राइजिंग था, बहुत खूबसूरत था। हाउएवर वी वर वेरी ग्लैड टू बी सो कम्फर्टेबल, और हमें वहाँ पर कम्फर्टेबल पुरसकून होकर अच्छा लगा। देर आर फ्लावर्स इन द गार्डन एंड रेड ब्लॉसम्स ऑन द सिल्क कॉटन ट्रीज लुकिंग सम हाउ स्ट्रेंज अगेंस्ट डीप ब्लू हिल्स इंस्टेड ऑफ द पेलर ब्लू ऑफ द स्काई। जस्ट बिफोर वी केम टू द होटल वी क्रॉस्ड अ ब्रांच ऑफ द सवात रिवर एंड फॉर अ ब्रीफ मोमेंट हैड अ ग्लिम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द वैली फ्रॉम द ब्रिज। द स्नोज वर सो विविड, द वाटर सो ब्लू एंड द पेबल्स सो शाइनिंग दैट इट लुक्स ऑलमोस्ट अनरियल। तो जो बर्फ़ थी, स्नो, वो इतनी विविड क्लियर थी और पानी इतना नीला था, और पेबल होते कंकर या पत्थर जो उस नहर की रिवर की सवात रिवर की तह में पड़े हुए थे, तो वो इतने ज़्यादा शाइनिंग थे और ये सब कुछ गैर हकीकी लगता था, लाइक द वेरी ब्राइटेस्ट ऑफ द पिक्चर पोस्ट कार्ड्स, जैसे कि तस्वीरों के अंदर सीनरीज बच्चों ने बनाई होती हैं और वो अनरियल होती हैं। तो ये सब कुछ भी हमें उतना ही अनरियल नज़र आ रहा था। उससे अगले आगे देखें नेक्स्ट डे। ऑलराइट, सो ये देखें पेज नंबर 22। सो हियर वी हैव नेक्स्ट डे वी फॉलोड द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। अगले दिन हम दरिया के दूसरी तरफ चले गए। वी हैड कम अप द लेफ्ट बैंक विद द स्नोई रेंज बिहाइंड अस। नाउ वी फेस द स्नोज गोइंग थ्रू मिंगोरा विद इट्स शॉर्ट्स एज फार एज मंगलोर। देयर अ बेंड ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ अ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी मेड अ ब्लू मिरर एट द फुट ऑफ रेंज ऑफ स्नो। ऑलराइट, मिरर एट द रेंज ऑफ स्नो माउंटेन्स एंड लिटिल फील्ड्स एंड लाइन्स ऑफ ट्रीज केम डाउन टू मीट द वाटर फ्रॉम द हर्ट्स पर्स्ड अप ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। तो वो सारा कुछ बता रही है कि अगले दिन किस तरह वो दरिया के दूसरे किनारे की तरफ गए जहाँ पर एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी भी बनी हुई थी, और मिंगोरा से होते हुए ये लोग आगे बढ़े थे। और फिर उसके बाद अ मैन वॉज फिशिंग द क्लियर ब्लू वाटर विद अ बिग नेट, और एक आदमी मछलियाँ भी पकड़ रहा था अपने बड़े जाल के साथ। फिर उसके बाद ह्यूज बोल्डर्स गार्डेड द नियर बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम्स के किनारों को बड़े बड़े बोल्डर रख कर और उसकी हिफाजत की गई थी। बोल्डर मतलब के पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े। फिर उसके बाद फ्रॉम हियर सम ऑफ द पार्टी वेंट अप अ साइड वैली टू सी अ बस रिलीफ स्टेचू ऑफ बुद्धा कार्व्ड ऑन द फेस ऑफ द रॉक अबाउट 20 feet हाई द हेड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्री। ओके, तो ये बात इस पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध मत मज़हब के मानने वाले जो बुद्धा को मानते थे उसका उसकी तस्वीर उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर बनाई हुई थी, और इतनी खूबसूरती से पहाड़ को काट के बनाया हुआ था कि वो जो बुद्धा था जिसको ये लोग मानते थे और उसका जो तस्वीर बनाई गई थी पहाड़ के ऊपर,
उसका सर बिल्कुल फ्री था, मतलब जब उन्होंने उसको बनाया था बड़ी टेक्निक के साथ ड्रा करके और साइडों से उन्होंने पत्थर उसको काट दिया था। इट वॉज 2 mile वॉक फ्रॉम वेयर द मोटर रोड एंडेड एंड सम वर अ लिटल वेयरी व्हेन दे रिटर्न टू ड्रिंक देयर टी ऑन द डिस्पेंसरी वेरांडा फेसिंग द स्नो। ऑल द पेशेंट्स हैड गोन होम बाय दिस टाइम एंड द प्लेस वॉज डिजर्टेड। इट वॉज वेरी पीसफुल। सारे मरीज डिस्पेंसरी से चले गए थे और उस वरांडा मतलब बरामदा, उस डिस्पेंसरी के बरामदे में राइटर कहती है कि हम बैठे हुए थे और ये डिजर्टेड था, खाली था और हम सब बहुत पुरसकून हुए यहाँ आकर। तो ये हो गया और इससे अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। When we gathered strength again, we took to the road once more and followed it until we came to a valley that led up into the hills to Miandam. तो कहते जब हमें स्ट्रेंथ वापस आई हम दोबारा से रोड पर चल पड़े और हम होते हुए एक और वादी में आ गए, एक और वैली में आ गए। द रोड वॉज नैरो इवन अ लिटल फ्राइटनिंग इन प्लेस बट एवरी टर्न ब्रॉट सम थिंग ब्यूटिफुल। तो रोड जो थी वो ख़तरनाक थी लेकिन हर टर्न के बाद हमें कुछ ना कुछ खूबसूरत नज़र आता। द लवलीस्ट साइट वॉज प्रोवाइडेड बाई द मेडलर ट्रीज़ इन फुल ब्लूम। तो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती थी वो मेडलर ट्रीज़ से हमें नज़र आई जो पूरी तरह खिले हुए थे। द लवलीस्ट ओके अ कैस्केड ऑफ लेसी वाइट दैट सडनली सीम टू फिल द वैली। वैन वी स्टॉप्ड एट द हेड ऑफ द वैली वी लुकड बैक अगैन एट द स्नो एट फोल्ड आफ्टर फोल्ड ऑफ ब्लू एंड पर्पल हिल्स एंड इन द फोर ग्राउंड ऑफ अ टेरस टू हिल्स साइड विद टाइनी ग्रीन फील्ड स्ट्रीम्ड विद मस्टर्ड ब्लूम। ओके सारी इसकी वैली की ब्यूटी बयान की गई है, बहुत ज़्यादा इसकी राइटर की डिस्क्रिप्शन की पावर बहुत ज़्यादा और क्लियर वो हर चीज़ को बयान करती है। अच्छा जी ये देखें, ये एक शादी का हाल इसने बयान किया वहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर, एक शादी 23 पेज पर। वी केम अक्रॉस द इवनिंग, शाम को हम वापस आए। फॉलोइंग द रिवर स्नो क्वाइट इंस्टेड ऑफ स्पार्कलिंग विद कूल शेडो अक्रॉस द हिल्स वी राउंडेड द ग्रेट बट्रेस ऑफ रॉक दैट गार्ड्स द बेंड ऑफ द रिवर एंड केम सडनली ऑन अ वेडिंग प्रोसेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो कहती है हम चलते हुए और रॉक को क्रॉस करके और फिर अचानक हमें एक शादी का प्रोसेशन नज़र आया, मतलब जैसे बारात होती है। दैट कम्प्लीटली फील्ड द रोड, जिसने रोड को पूरा भर लिया था। द ब्राइड वॉज इन डोली सराउंडेड बाई वुमेन ऑन फुट। तो जो दुल्हन थी, ब्राइड दुल्हन, वो एक डोली में थी और ख़वातीन उसके इर्द गिर्द पैदल जा रही थी। ऑल ड्रेस्ड इन ब्लैक गारमेंट्स विद द मोस्ट ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक शॉल्स गे एम्ब्रॉयडरी ऑन देयर शर्ट्स। तो सब ख़वातीन ने ब्लैक कलर के एम्ब्रॉयडरी व खूबसूरत गाउन पहने हुए थे, गारमेंट्स पहने हुए थे और शॉल्स पहनी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी वाली खूबसूरत शर्ट्स थी। ऑल काइंड ऑफ ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी पहनी हुई थी। सम विद बास्केट्स ऑन देयर हेड्स कवर विद द क्लॉथ, सम विद एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स, अ फ्यू विद रेड ट्राउजर्स एंड ऑल ऑफ देम स्किपिंग अलॉन्ग विद डांसिंग स्टेप्स। ओके और ये सब खवातीन डांसिंग स्टेप्स के साथ जा रही थी, यानी कि डांस करती हुई जा रही थी। क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड एविडेंटली इंजॉइंग देमसेल्व्स थॉरली, क्लैपिंग देयर हैंड्स, तालियां बजा रही थी और यकीनन वो मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर रही थी। वी वर टोल्ड दैट इट यूज़ टू बी द कस्टम टू सेंड द ब्राइड ग्रूम ऑफ बाय हिमसेल्फ 3 weeks बिफोर द वेडिंग। और हमें यह बताया गया कि कस्टम रिवाज वहाँ पर यह है कि ब्राइड ग्रूम इनके दुल्हा को शादी के 3 हफ्ते पहले किसी और जगह भेज दिया जाता है। एविडेंटली इट वॉज नॉट कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर हिम टू इन्जॉय द फन। तो इन्जॉय द फन मतलब कि शादी की जो इन्जॉयमेंट थी उससे लुत्फानंदोज़ अगर दूल्हा होता तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। द डाउरी बेड्स वर इन द प्रोसेशन टू यूटेंसिल्स बेडिंग अ लो टेबल ऑल द ब्राइड वुड नीड इन हर न्यू होम। तो जो डाउरी जहेज है, जहेज का सामान है, बेड है, बर्तन है और टेबल है और जो भी चीज़ें दुल्हन को नए घर में ज़रूरत थी वो सब कुछ भी साथ जा रहा था। लेटर ऑन वी सॉ द वेडिंग पार्टी इन अ कोर्ट यार्ड।
where there were gaily clad dancers entertaining the company. तो बाद में हमें पता चला कि एक कोर्ट यार्ड एक सेहन में ये सब इकट्ठे हो गए जहाँ पर डांसर्स ने कंपनी को एंटरटेनिंग कर दिया था. तो यहाँ तक आज का लेक्चर मैं एंड करती हूँ. नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम ये चैप्टर क्लोज कर देंगे. तो आप इसके समरी याद कर लें और टेक्स्ट बुक सामने रख कर और आप मेरा लेक्चर अटेंड किया करें. और इसमें बहुत ज़्यादा वोकेबलरी आपको नई वोकेबलरी मिली है जो हिली एरियाज से रिलेटेड है, वहाँ के पहाड़ों से, वहाँ के फूलों से, दरख्तों से रिलेटेड है, सीन से रिलेटेड है. तो वो आप याद कर लीजिएगा. कुछ आपने देखा इसमें त्यौहार बताए गए हैं, शादी का मंजर बताया गया है, मज़हब के हवाले से बताया गया है, बुद्ध मत मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं और हिली एरियाज की जो ब्यूटी है और जो रोड जिस तरह से ख़तरनाक है, ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें कवर किया है राइटर ने. अ विज़िट टू दी सवात वैली, इसका पार्ट वन आज हमने डिस्कस कर लिया है अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज में से. इसके साथ ही आज के मेरे लेक्चर एंड हो रहे हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करवा लूँगी. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.